हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए। दोस्तों, आप भी अपने वीडियो के लिए थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका से आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जो सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ उसके माध्यम से आप आसानी से डाउनलोड क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम होगा पिक्सल आर्ट। देखिए दोस्तों, ये हमारे पिक्सल लैब पिक्सल आर्ट दो होता है। तो दोस्तों, इसमें से ये वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने डाउनलोड कर रखा है। करने के बाद दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर दिया। देखिए दोस्तों, इसको फिर कट कर देते हैं। कट करने के बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। तो हम इसको टेक्स्ट को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद दोस्तों, यहाँ थ्री डॉट का एक सिंबल होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएगा इमेज साइज। तो इमेज साइज को हम यहाँ से अपने यूट्यूब थंबनेल के लिए है तो थंबनेल कनेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप जैसे भी आपको डाउनलोड करना होगा, बनाना होगा, उसे बना लीजिएगा। जैसे मैंने ले लिया ये सर्कुलर, और यहाँ पर इसका वेट और हाइट इतना होना चाहिए, विड्थ और हाइट, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों, इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस वाले सिंबल पे क्लिक कीजिएगा। अब प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, फ्रॉम गैलरी। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने फ्रॉम गैलरी में आ गया, और गैलरी में आने के बाद एक बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा वैसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं अभी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गया, और आने के बाद मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ से टिक कर देंगे। टिक करने के बाद दोस्तों, इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा लेंगे, अपने साइज में इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बिंदु सा दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे इसको अच्छा से सेट कर लीजिएगा। और सेट करने के बाद दोस्तों, ये इस पर क्लिक कीजिएगा थ्री डॉट के नीचे, और यहाँ पे इसको लॉक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद दोस्तों, आप जब भी एडिट कीजिएगा तो ये इधर उधर नहीं होगा बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। होने के बाद दोस्तों, ये फिर से यहाँ पे प्लस वाले सिंबल पर क्लिक कीजिएगा। प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, फिर से गैलरी खुलेगा। तो यहाँ से हम गैलरी में आ जाएंगे। गैलरी का फ़ोटो जो भी एडिट करना होगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो जो भी बैकग्राउंड आपने रिमूव किया होगा, बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करके आ जाइएगा उस पर। देखिए दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, एडिटिंग करने में थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ से क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों, देखिए इसको बढ़ा लेंगे दोस्तों। ऐसे मैं बढ़ा लिया, और बढ़ाने के बाद इसको अच्छा से सेट कर देंगे। थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, बट इसको और हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पे इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद ए वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ए वाले सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बीच वाले सिंबल पे क्लिक करके आप ये देखिए स्टॉप दिया हुआ है। स्टॉप पे क्लिक करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कैसे फ़ोटो हमारा हो रहा है, कुछ हो रहा है फ़ोटो में। तो फ़ोटो को हम ऐसे स्टॉक बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पे हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद फिर से गैलरी में जाएंगे। जो भी आपका जो भी रिलेटेड होगा वीडियो, वैसे ही थंबनेल बनाइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से गैलरी में आ गया, और गैलरी के बाद फिर से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जो भी फ़ोटो आपको लेना होगा, मैं तो ऐसे ही देखने के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, आप देख के समझ लीजिए। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद इसे सेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे थोड़ा और कर देंगे, छोटा कर देंगे ताकि ये भी अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पे सेट करके ऐसे ऐसे कर देंगे। फिर से प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे। अब प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करने के बाद अभी टेक्स्ट बाकी है दोस्तों। अभी ये फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए बता रहे हैं, और टेक्स्ट करने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसका भी साइज आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से साइज ले लिया, और साइज लेने के बाद दोस्तों यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ऊपर जो पेंसिल का सिंबल दिया हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद प्लस वाले सिंबल पर क्लिक कीजिएगा। ऊपर दिया हुआ है टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे आके इसको टेक्स्ट करेंगे। पेंसिल वाले सिंबल पर क्लिक करके और इसको टेक्स्ट करेंगे। जैसे भी आपको लिखना होगा, हाउ टू अर्न मनी,
मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, आप भी जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। और मैं इसमें ही सारा आपको कलर और बैकग्राउंड का सारा बता दूंगा दोस्तों। देखिए अभी यहाँ से क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद स्टॉक पे आ जाइएगा। स्टॉक पे आने के बाद यहाँ से उसको स्टॉक कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले तो मैंने कलर वाइट ही रखता हूँ। वाइट रखने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद स्टॉक पे जाएंगे। स्टॉक पे जाने के बाद ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक कर लेंगे। और स्टॉक का जो कलर दिया हुआ है दोस्तों, देखिए साइड साइड में दिखाई दे रहा है, वो भी आप बदल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से दिया हुआ है जाके आप चेंज कर सकते हैं। अब फिर से हम यहाँ से थोड़ा इसको बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद देखिए दोस्तों साइड में थोड़ा सा और ब्लैक आ गया। और इसका स्टाइल चेंज करेंगे लिखावट का, लिखावट का फ्रंट कर देंगे। करने के बाद यहाँ से जो भी आपका लिखावट चेंज करना होगा चेंज कर लीजिएगा दोस्तों। इसको 3D भी बना सकते हैं, जैसे भी आप चाहें वैसे बना सकते हैं। देखिए तो फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इसको सेट कर लिया, और सेट करने के बाद देखिए दोस्तों कलर भी सेट हो गया। और फिर से देखिए दोस्तों ये नीचे यहाँ स्टार का सिंबल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके इसका ब्राइटनेस पूरा फुल कर लीजिएगा। तो ये सारा सेट हो गया। सेट होने के बाद हम फिर से यहाँ से आ जाएंगे। आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ से ऊपर गैलरी का सिंबल दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सेव एज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज। तो आप इमेज पर क्लिक कीजिएगा। इमेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यह सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। और देखिए दोस्तों आपको दो नंबर पर दिया होगा कस्टम, तो कस्टम पे क्लिक कीजिएगा। ऐसे सेव मत कर दीजिएगा दोस्तों, वो क्वालिटी सही नहीं आएगा। तो कस्टम पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अल्ट्रा में सेव कीजिएगा। तो मैं अल्ट्रा सेव कर दिया। अल्ट्रा सेव करने के बाद यहाँ से सेव एज कर दिया। सेव एज करने के बाद दोस्तों ये हमारा फोटो सेव हो गया। मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। देखिए दोस्तों मैं यहाँ से बैक हो गया। और बैक होने के बाद आपको गैलरी में आ जाता हूँ। और गैलरी में आने के बाद आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कैसे सेव हो गया है दोस्तों। फिर आ गया। आने के बाद दोस्तों देखिए हमारा फोटो यहाँ पे ये रेडी हो गया है यूट्यूब वीडियो में लगने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों इसको कितना भी जूम कीजिएगा दोस्तों ये फटेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों ऐसे ही करने के लिए आप पिक्सल लैब को डाउनलोड करके आप इसमें बना सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें।